कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब खैरियत से हैं। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज हमारा लास्ट डे है, हमारा लास्ट डे है। आज हम लोग जा रहे हैं वापस अपने कराची। तो ये यहाँ का कुछ आखिरी तो आपको ज़्यादा दिखा देती हूँ। देखो हनी वहाँ पे कुछ लोग, ये भी मेरे कसम का होटल है ना जो वहाँ पे होता है ना। अभी भी देखो, हालांकि कल बर्फ आ रही है, लेकिन ये पूरी बर्फ में डूबा हुआ है सब कुछ है, सब बर्फ। ये एक डेढ़ महीना ऐसे ही रहती है। देखो सारे पहाड़ जो है पूरे बर्फ में सफेदी में हो गए सारे, सब चीज। तभी तो यहाँ पे इतनी ठंड होती है, लोग कहाँ पे होते हैं सर्दी होने में, इतनी ठंड होती है। हमने तो ये पहन लिया, मेरी अभी अपर पे रह गया, मैं अपर पहन लूँ, सामान वहाँ पे रख पाएंगे भी जाएंगे। अगर आप दुआ करें हमारा आज जो है ना, हमारी आज ही हमें टिकट मिल जाए तो हम आज ही गाड़ी में बैठ जाएंगे, फिर हमें एक दिन और पिंडी में स्टे करना पड़ेगा। चलो हनी मैं आपको पहनू, आ जाए आप मुन्ने को दिखाते हैं। गुड्डू तो उठ गए, रज्जू बड्डू तो उठ गए, बब्बू गोशे काके। हम सामान सारा चेक किया, पूरा सामान सामान सब चेक कर लिया, सारे हमने अपने बैग सारे पैक कर लिए, कंबल वंबल सब पैक कर लिए। बस सिर्फ मुझे ना अपना वो लेना करना है खाली। कोशिश रहता नहीं है ना हनी? नहीं, वॉशरूम में एक नजर देख लो। वॉशरूम में नजर, मैं पहले अपना ये पहन लूं सर्दी से बचाव का, इतना मजे वाला आपको। चलिए यहाँ पे लाइट भी आ गई, शुक्र हम निकलने लगे तो लाइट भी आ गई है। अब यहाँ पे हमने सारा पूरा रूम चेक कर लिया है, बस इंशाल्लाह ये सारे अपार पिंडी आगे उतरेंगे। पिंडी में इतनी ठंड नहीं है, सारी ठंड तो खैर यहीं पर ही है, फिर हम इसको दोबारा से गाड़ी में रख देंगे। लेकिन जाते हुए ना हमारे गाड़ी वाले भाई बोल रहे हैं कि आपको जो है ना थोड़ी थोड़ी और बर्फबारी हम दिखा देंगे रास्ते में, तो मैं तो उसके लिए तैयारी कर लूँ थोड़ी सी। यार मैंने ड्राई क्लीन पे यहाँ पे ये यार सूट दिया था धुलाने धुलवाने के लिए, पता नहीं कैसे पीले पीले निशान लगा दिए शलवार पे, पूरी शलवार मेरा नया सूट खराब हो गया, सारा नया सूट खराब हो गया। चलो ऐसे रखो, यहाँ पे हमारा सारा पूरा सामान वॉशरूम चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है। नहीं चलो जी, यहाँ पे हमारा सब हो गया। बस ये जो हमारा लास्ट डे है, लास्ट डे क्या लास्ट मोमेंट हमारा चल रहा है, बस हम जा रहे हैं। मैं एकदम और चेक कर लूँ सब चीज़ें, क्योंकि भाई चेक करना अच्छा होता है ना, तो क्यों चेक कर लीजिए, चेक करूँ। कर लिया मैंने, कर लिया दराजों में, दराजों में हमने कुछ रखा ही नहीं, क्या चेक करना है। नहीं हमारा नहीं है, वो अपने किसी और का। चलो आ जाओ, अब हम निकलने लगे हैं। खाली सारा सामान जो है ना गाड़ी में रखा के आते हैं, फिर हम निकलते हैं और फिर रास्ते में एंजॉय करते हुए सीधा हम लोग पिंडी स्टेशन पे सीधा। मज़ा तो बहुत आया था इधर, बहुत मज़ा आया था, लेकिन ठंड ने ना काम ख़राब कर दिया। और काफ़ी सारी फैमिली ना जा रही है, क्योंकि लोग असल में ना बर्फबारी देखने आते हैं। अच्छा हम जब निकले थे हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बर्फबारी होगी, तो हमारा नसीब था कि हम जिस दिन आए उस दिन हैवी स्नोफॉल हो रही थी, हैवी, तो हम लोगों ने देख लिया। मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा देखी थी, तो आज मेरे ख्याल से कल स्नोफॉल हुई नहीं, अब नहीं होगी शायद ना, कुछ टाइम के बाद होगी। इसलिए फैमिली जो आई थी स्नोफॉल देखने के लिए वो भी वापस जा रही है। जो हमारे मेरे सामने 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 ना तीन फैमिली को मैंने जाते हुए देखा है, वो लोग जा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो लोग यहीं के होंगे, इस्लामाबाद के और पिंडी साइड के, लाहौर साइड के काफ़ी लोग आते हैं ना देखने के लिए। तो हनी चले गए हैं सामान रख के आ रहे हैं, ये बाय बाय हो रहा है हमारा रूम का, हम भी जा रहे हैं अपने घर। अपना घर इतना याद आ रहा है, क्योंकि रस्ते जहाँ भी आप जाएँ ना अपना घर याद आता है, अपने घर की जो नींद होती है ना सुकून वाली। हमने इतने दिन आए ना, हम लोगों ने सुकून की नींद पूरी नहीं की, बिल्कुल भी सुकून की नींद पूरी नहीं की। अब जाएंगे सुकून की एक रात नींद पूरी करेंगे, फिर जो है स्कूल शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे अपने घर में जाकर, मज़े मज़े के व्लॉग घर में शूट करेंगे। अभी जोहान को भी ना, जोहान जब निकलता है ना बाहर, जोहान के ये चीक्स ना पूरे लाल हो जाते हैं, नाक लाल हो जाती है जोहान की। बस ये शुक्र है कि मैंने इसको दबा दबा के रखा है, दबा दबा के इसको मैंने रखा है, तो ये थोड़ा सेफ है। मेरा बच्चा सेफ हो गुजिए मेरी, हाँ जी सेफ है आप सेफ है। मम्मा ने ऐसे दबा दबा के रखा है गुल्लू को, दबा दबा के रखा है गुल्लू को मम्मा ने गुल्लू को दबा दबा के रखा है। अच्छा जी, काफ़ी सारे ना जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, मुझे पूछे थे आप ही आपने अपनी बेटी की कवर इतनी दूर क्यों बनाई, तो देखिए मैं यहाँ कहले आप बोल लेते हैं, हमें जवाब दिया आप यहाँ रहती थी पहले? नहीं जी, हम कराची में रहते थे, मैं घूमने फिरने आई थी, को पता है, तो ये हादसा हो गया था, तो दो दिन के बाद डेड बॉडी मिली थी, तो वो इस काबिल नहीं थी कि हम उसको लेके जाते, उस कंडीशन ऐसी नहीं थी, तो इसलिए हमने यहाँ कहता। और मेरी बहन जो इसी गाँव में रहती थी, तो मेरी जो बड़ी बहन ना, काफ़ी लोग बोलते कौन सा भांजा है आपका, कौन सी बहन का, सबसे बड़ी बहन है ना मेरी, उनका बेटा है, उनका बेटा था, और जोहा से वो एक साल बड़ा, जेरा से एक साल बड़ा था, ठीक है। तो ये था, तो इसलिए अब दोनों बच्चे, अब एक बच्चे की तस्वीर यहाँ होती है, एक को हम लेके जाते तो भी मसला होता ना, तो इसलिए हम ना दोनों बच्चों की तस्वीर यहाँ कर दी थी हमने, तो
काफी सारे लोग होते हैं आप इसका जवाब लाजमी दीजिएगा, तो मैं इसका जवाब को दे दिया है। चले भाई आ जाओ, सामान लेकर जाओ, आप भी थोड़ा शॉपर ऊपर ले जाओ बेटा। हाँ क्यों है, आओ इतना ये लेके ले, ले जाओ जो शूज का जाओ। भारी होंगे? नहीं नहीं भारी नहीं है, हल्के सारे मेरा बेटा जा अरे कुछ और भी मंगा दे। नहीं नहीं बस बस मेरा बेटा काम करता है, भाग के जाओ जाओ। चलो सामान लगे आ रहे हैं, हमारा एक कीमती सामान ये रहा, कीमती सामान हमारा। मैं अपना बैग और सुहान करूँ माल उठा लूँ, चले फिर चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और चलते हैं। इस हीटर ने हमारा बड़ा साथ दिया है भाई, ये जो बड़ा था ये तो बिल्कुल ही बेकार, थर्ड क्लास से कोई वो नहीं आती, इसने हमारा साथ दिया है, इसने इसने हमारी ज़िंदगी को थोड़ा सेफ रखा है। जा रहे हैं, बाकी आपका ये वाला हीटर बिल्कुल भी सही नहीं है, इस वाले हीटर ने हमारा बड़ा साथ दिया है, इस वाले हीटर ने हमारे सही हमें सुकून से हम रहे। नहीं ये हीटर बहुत प्यारा है, हाँ छोटा वाला ना, इसने हमारे को जो है ना सही रखा है। चले चलो, कल तो बड़ा वाला भी सही चला। अच्छा मैं कल लाइट नहीं गई थी ना, वरना लाइट जिस दिन आई थी उस दिन लाइट जा रही थी ना, उस दिन बहुत परेशान कर रहा था वो। जल्दी से लपेट ले, आज जल्दी देर हो रही है, टाइम टाइम जी जी बिल्कुल सब सब कुछ चेक कर लिया, जी जी सब कुछ चेक कर लिया। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, जल्दी से होकर आओ, फटाफट से होकर आओ मेरा बेटा। चलो मैं जोहा को लेके आ रही हूँ, आप एनआईसी वगैरह ले लो अपना, जाओ चले जी जोहा जल्दी करो मेरा बेटा। चले आपको जो है ना ये भी रूम खाली हो गया, हमारा भी रूम खाली हो गया, ये हम लोगों ने ना जनरेटर जो लगाया था ना हीटर, ये गैस वाला था, गैस का पाइप अंदर जा रहा था, अब धूप निकलना शुरू हो गई हल्की हल्की ना। टेरिस पे गए थे आप, और जोहा को अपनी पानी की बोतल भी याद थी है, चल आज चलो आप याद नहीं थी, मुझे याद थी, चलो आ रही हूँ। क्या हो गया हमको, मम्मा आ गई है, ऐसे ट्रिपल जाम लगा रहे हैं। चलो ये निकल गए हम लोग बाहर, और बाहर निकलते ही ना सही हालत खराब हो जाती है, इतने लाल और जोहा रोना शुरू कर दिया, ठंड लगी रोना शुरू कर दिया। चलो भाई आ जाओ, अभी तक हल्के कल बर्फ नहीं गिरी, अभी तक बर्फ पड़ी है सारी रोड पर साइड पर। एक मिनट वो दोनों, हां वो दोनों कल भाई अनि सामान सारा रखवा दिया, जल्दी जाओ, ए सीधे तो पांव नहीं रखना, सीट पे पांव नहीं रखना। चलो हां सही है, चलो भाग जाओ पीछे भाग जाओ, बस वहां ले रही हूं ले रही हूं भाई। आप ये बैग उठाएं जरा, ये अंदर घुसो, उठा लें थोड़ी देर के लिए, उठा लें उठा लें उठा लें। चलो भाई खाली फिटर जेब में, चलो भाई हम गाड़ियाँ बैठ गए, जोहारी पीछे बैठ गई, लाए गए इसको खाली फिटर लगा लें। चलो बस अब चल लें हम, ठीक है चले जी। हनी कैसा लगा, तू रख कैसा लगा, जबरदस्त मज़ा आया, बहुत मज़ा आया था आपको, बस ठंड ने थोड़ा सा काम करा। पहले दिन तो डर गए थे, पहले तो जब आए थे सही बात है, हाथ पाँव काम करना बंद कर देते, क्योंकि बच्चे का अकेले होते हैं ना कोई इशू नहीं था, बच्चों का मसला होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे और जोहान तो बहुत ही छोटा है, लेकिन जोहा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर जब हीटर हमारा दूसरे दिन चला है, तब हमें पता दिन नहीं चला। उसी दिन हाँ थोड़ा रात के बाद थोड़ा, क्योंकि लाइट बुझ जा रही थी, क्योंकि बर्फबारी हो रही थी, लाइट जा रही थी बार बार, वो हीटर जब हो गए थे ना छोटा भी आ गया था, उसके बाद सेटिंग हो गई, लाइट जा रही थी ना, तब मसला कर रहा था वो, उस वक्त तक मैं बैठा भी तो नहीं ना, जब तक करी, लेकिन जब लाइट नहीं गई ना, अच्छा बर्फ पानी पड़ती है, लाइट फोन फोन जाती रहती है, लाइट ये स्नोफॉल तारों पे आती है ना, तारे बजनी हो जाती है, तो ये बोले थे जैसे लाइट नहीं जाती, जब स्नोफॉल होती तब लाइट जाती है, वो पता डंडे मार के तारों से वो हटाते थे, तो फिर वो लाइट आती है, और गाड़ियां भी लगी होती थी इलेक्ट्रिक वालों की, हाँ, वो तो हाँ। वही मार रहे थे, और हाँ। किसी इंसान का काम थोड़ी, तो शुक्र है बहुत मजा आया हम लोगों को, हाँ। दो दिन हम लोगों ने गुजारे इधर, दो रातें मजा बहुत आया, एक रात तो हमारी ऐसी आए और सो गए, अगले एक दिन हमने घुमा फिरा, एक दिन हमने सारा घूम फिर लिया, फिर हमने स्टे नहीं करना था, बच्चे साथ थे, हमने निकलना है जल्दी, और बस अब अभी हमें कोशिश की है कि डायरेक्ट पिंडी जाएंगे, रास्ते में थोड़ा घूमते फिराते, रास्ते में जो पड़ेगा ठीक है, अगर पिंडी आएगा, अगर हमें टिकट मिल गई आज की तो हम आज ही रवाना हो जाएंगे, अगर नहीं मिलती कल की मिलती तो फिर हमें मजबूरी है, हमें स्टे करना पड़ेगा, कोशिश करेंगे कि आज ही की मिल जाए। हाँ तो बस अभी निकल रहे, भाई गाड़ियाँ साइड पे करवाना ना पार्किंग, गाड़ियाँ ना एक दूसरे के पास लगी पड़ी हैं, हाँ। चिपकी हुई हैं, अब गाड़ियाँ आगे पीछे होंगी तो हमारी गाड़ी निकलेगी, और अभी दुकान भी ना कच्ची नींद से उठाए अभी सो जाएगा देख रहा है फोन बजा देख रहा है कहाँ हुआ कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर फोन बजलाए
अच्छा नहीं बहुत ठंड होती है, रोता है अंदर सुकून से। देखो अभी कोई नहीं रो रहा। लड्डू बड्डू बब्बू कोचे काके भाई काके बेटा बहुत प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो तारों पे, देखो आप बार बार। हाँ तारों पे तभी तो बार बार लाइट जाती है, तारों पर गिरती है ना बर्फ। यहाँ पे हम लोग रुके हैं। मम्मा ने कुछ भी नहीं, लाओ बेटा मम्मा को पकड़ा दो, इसका हाथ पकड़ो जहाँ अभी है। आप चलाओ नाश्ते के लिए, रुके नाश्ता करेंगे अभी यहाँ पे। फिर रुको रुको जो है गाड़ी जा रही है, देख के आना पड़ेगा। ये भी मरी है ना, ये भी मरी है ना। अच्छा अभी मरी नहीं है, अरे रोड लोग साफ भी करवा रहे सारा। आ जाओ भाई आ जाओ, चले भाई अभी हम कर। जी जी आ रही हूँ आ रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, अभी नाश्ता करते ही फिर अब तो हम जा रहे हैं निकलेंगे पिंडी पिंडी। जैसे हम लोगों ने पता करवाया अभी फ़ोन पे जो है ना उसका, नहीं नहीं यहाँ से बर्फ़ में नहीं घुसो, वहाँ से घुसेंगे आगे। ये देखो आखिरी दफ़ा बर्फ में हो लो, बर्फ़ में ये देखो जी पक्की बर्फ नहीं, हाथ सुन जाएंगे बेटा। चलो चलो हाँ हाँ, शूज तो वाले हैं नहीं, स्लिप हो रहे फिर भी। हाँ ये हाँ इस वाले फ्रेश में स्लिप होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो हम गरम भर गए पराठे इस वाले होटल में, तंदूरी पराठा दस्तियाब है। चलो अच्छा यहाँ बैठेंगे धूप में, यहाँ वेदर भी अच्छा है, पीछे नज़र भी आ रहा है सारा है ना, और धूप भी है। जोहान को हम इधर लिटा भी सकते हैं आराम से धूप में। जोहान को पहले धूप में लिटाए हैं आप, चले हम लोग यहाँ भी बैठेंगे। अब धुआन को यहाँ धूप मिला है तो धूप मिलेगी ना, थोड़ी धूप ले लेंगे ले भाई, थोड़ी धूप ले लेंगे भाई। हाँ ये खिड़की बंद कर देंगे वाली, ये बंद कर देंगे ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे। हाँ चलो जी आ गया हमारा नाश्ता, पराठे ऑमलेट और ये चना दाल। चलो ये नाश्ता करते हैं, लस्सी भी तो है। हाँ लस्सी भी है ना, चलो बिस्मिल्लाह। वहाँ बैठो चेयर पे बैठो, खा लेते हैं चेयर पे बैठो। पहले ये चेक करते हैं कि ये कैसा है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टेस्टी है, सो टेस्टी। अरे दूर है मामा, बहुत आगे कर देती हूँ। एक बार खाएंगे वापस आएंगे। अच्छा ना, हम तो खा रहे आगे, अगर किसी को खाना तो आके हमारे साथ खा ले। चलो भाई नाश्ता कर लिया, भर गया पेट आपका। चलो जी पानी ले लो, अब चले पेट नहीं भरता, पेट में क्या चूहे घूम रहे। कह रहे दो सौ कहीं भरती ही नहीं है, सीढ़ियाँ बड़ी खतरनाक है इनकी। अब हम जा रहे हैं वापस, नाश्ता हम कर चुके हैं यहाँ पे, हमने नाश्ता किया था इधर। चलो भाई चलो 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 बैठो, पहले जोहान बैठो जाओ। हनी मैं डर गई, आपने क्या करा ये? मैंने साइड में किया ना, कोई भी बेचारा गिरेगा पांव पे बर्फ से, बर्फ का मौसम। बाहर निकलते रहना शुरू कर दिया, अभी बिल्कुल सही लग रहा था। चलो अच्छा चलो 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 दूध में तो नहीं पी। चलो जी यहाँ पे हम लोग थोड़ा आराम से, आराम से स्लिप हो रहा है आराम से। चलो हाथ पकड़ो, लो घूम लो बर्फ में। चलो जी देख लो एक बार फिर बर्फ, जाते जाते भी जाते जाते भी एंजॉय करो बर्फ के नज़ारे। हाँ भाभी जान, ये देखो ये पानी ये जमा हुआ है, ये देखो इसमें स्लिप हो रहा है। नो पानी है ना, जम गया ना। सही बैठ तो जाए बर्फ पे, बैठे यहाँ पे बर्फ पे बैठोगे ना मेरा पूरा ऊपर गए ना। और नहीं आई है, गीला नहीं करेगी, गीला नहीं करेगी नहीं। जो हाँ तो देखो कैसे आराम से स्टाइल मार के खड़ी हुई है, जो स्टाइल मार के खड़ी हुई है। ऊपर जाओ ऊपर, स्लिप हो जाओगी नीचे नीचे, इधर इधर ही रहो भाई, यहीं रहो यहीं रहो अंकल, क्या यहीं रहो बस बस ऐसे। देखो देखो वो लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, हमारी फैमिली को आते आते हां तो लोग एंजॉय करने तो आते हैं। मौसम मौसम आज का था एंजॉय करने का, क्यों बारिश हो रहा है, धूप निकल आई है बस। आज आपने खाली जाना है ना? नहीं नहीं लेकिन मुन्ना रो रहा है बहुत। ओ इधर क्या, इधर तो क्या हो गया आपको? नहीं नहीं नहीं
कल आप जा जाएंगे इंशाल्लाह। मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ इतनी ठंड। जहाँ ऊपर नहीं चढ़ो मारना उधर नहीं, ऊपर नहीं, कपड़े गंदे रहेंगे मेरे, कपड़े गीले हो जाएंगे बेटा। चलो आ जाओ, चलो बस जाए भाई। आप भी थोड़ी सी तस्वीर बनवा ले, थोड़ी सी आखिरी दफा उस पर चल। अरे आगे मत जाना, अच्छा जोहा आप बस आगे मत जाओ बेटा, बहुत बर्फ हो रही, इधर आ जाओ। चलो बस अनी आगे मत जाए, ज़्यादा आगे नहीं जाए हनी, ज़्यादा आगे नहीं जाए यार, आपको देखे वो भी आएगी। आराम से उतरो और चलाओ, गाड़ी में जाके बैठो। चलो बस कर लिया एंजॉय, मज़े की आई ना, मज़े की है ना, बस जाओ आगे भी जाओ आराम से। चलो जी एंजॉय कर लिया, अब बस इतना एंजॉयमेंट बहुत है, जाते थे इतने इतना एंजॉयमेंट भी बहुत होता है भाई। आ जाओ आखिरी दफा बड़ा उठा लूँ हनी, तुम्हें बोला आपके आपको मार दूँ ऐसा बोला। अभी एंजॉयमेंट इसलिए कर ले क्योंकि हमारा जो ना गुड्डू राजा सो रहे हैं, निन्नी कर रहे हैं, उसको मैंने सुलाया था। मम्मा ये ले, क्या है, चलें बैठ जाएं। चलो जी अब हम जाएं, आगे अगर रास्ता अच्छा मिला, अच्छी जगह हुई तो रुकेंगे वहाँ पे, वरना सीधा पिंडी। चलो जी हम लोग पहुँच गए हैं इधर पिंडी, हम दोबारा वापस पिंडी आ गए। प्राचीन की तैयारी थी, लेकिन हमारे साथ ना हमेशा एक ही एक बहलक होती है, हमेशा हमारे साथ यही होता है। लेकिन लास्ट ईयर जब मैं अपनी बहनों के साथ आई थी, पूरी फैमिली साथ, 15 रुपये हमें टिकट ही नहीं मिली थी जाने की। इस बार भी हमारा सेम ही हुआ, हम जो 2 घंटे से कभी इधर कभी उधर, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, हमें टिकट ही नहीं मिली। हम चाहे थे हमें आज की मिल जाए, मिली नहीं थी, कल की भी नहीं मिली थी। हमने दिल्ली लाइन में पता किया, हमने हर गाड़ी पता किया, उनका है ही नहीं। 5 तारीख के बाद हमें बर्थें चाहिए थी कि हमारे बच्चे ही छोटे छोटे, तो नहीं भाई बहुत मुश्किल से हमें मिली खैबर मेल की बिजनेस क्लास में 3 बर्थें हमने लिए, जो 6 का केबिन होता है ना वो लिया हमने। अब पता नहीं इसका एक्सपीरियंस मुझे पता है खैबर मेल कब तक, लेकिन इसका टाइम बहुत लंबा है। ये 1:50 पे सबसे मुश्किल काम है, 1:50 पे निकलेगी यहाँ से, 1:55 पे, और अगले दिन रात 1:55 नहीं, अगले दिन उन्होंने बोला है फजर में पहुंचेगी, मतलब कि पूरे 28 परसों 28 घंटे बाद। अब पता नहीं, मुझे तो टेंशन हो रही है, लेकिन चलो बैठते तो हैं, अल्लाह मालिक है, बैठे हैं फिर देखेंगे, पहुंच भी जाएंगे, कुछ भी सोचा, बस अल्लाह पाक खैर का सफर ले जाएगा। हाँ खैर का सफर ले जाएगा, हम लोग 7 बजे से पहुँच जाए। जरा सामने साइड बेटा, ये देखें ये हमारी टिकटें हैं इस तरह की, आज 1 बजे की हमने करवाई है, ये रावलपिंडी टू कराची, और ये है तारीख रवानगी, बाकी सब है, ये कोच नंबर है, ये सब लिखा हुआ है इसमें, खैबर में जो सीट नंबर बर्थ नंबर जो भी है ये सब कुछ लिखा हुआ। हमने 3 ली हैं, 2 इनकी और ये आदि जोहा की, हमारी ये टिकट 2 फुल एक हाफ है, हाँ 2 फुल है और एक हाफ है। बस मैंने कहा बच्चों को अभी हम लोगों ने फ्लाई वापस 9 से 9-10 घंटे मतलब हैं, 3 ही बर्थ है हमारी, हाँ 3 है, लेकिन एक हाफ इसका टिकट हाफ लगता है, लेकिन ये है कि बस अब हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल जो है ना 9 घंटे के लिए हमने एक होटल लिया है, क्योंकि जिस गाड़ी में हम लोग आए थे उन्हीं की पहचान पहचान से हमें ये रूम मिल गया, तो हमने कहा जो 7-8 घंटे हैं उसमें हम थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि इस ट्रेन में कहाँ रेस्ट होता है, और फिर बहुत 28 घंटे का सफ़र, वो सोचती हूँ टेंशन होगी, लेकिन चलो फायर सा पहुँचा दें, बाकी खैर है। लेकिन हमें नेक्स्ट टाइम हम जब भी आएंगे ना पूरी प्री प्लानिंग से अपनी रिटर्न टिकट करवा के आएंगे। अभी ये फर्स्ट टाइम हमसे गलती हुई है, आप भी सुनती नहीं हो असल में। हाँ मैं नहीं सुनती आपको, मैंने उस वक्त कहा था हम फैसलाबाद निकल रहे हैं, थोड़ा सा एक चक्कर पड़ता हमें पिंडी स्टेशन का, बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि ना बच्चे के पेपर चल रहे हैं, इतना रश नहीं, कोई वेकेशन है आप तो नहीं। शुरू से यही कह रही हो कि बच्चों का पेपर तो है, रश नहीं होगा, वेकेशन तो है नहीं, कोई बिना कोई विंटर वेकेशन, अच्छा चलो नहीं था ना आपके सामने क्या बोल रही है वो काउंटर वाली कि टिकट है ही नहीं, बर्थें है ही नहीं। भाई मैं तो परेशान हो गई थी, बस खैर मेल में इतनी महंगी टिकटें मिली है, लेकिन चलो खैर है अल्लाह खैर से अल्लाह, बाकी पहुँचते हैं तो फिर आप लोगों से मिलते हैं, बाकी जो ट्रेन की जो सफर है वो आपका शेयर करेंगे। अभी तो बहुत थके हुए हैं, इतना सफर देख लिया है, सुबह के उठे हुए थे वहाँ से, बस देख अपना सो गया था फिर उठ गया, अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँ, उठ गए
और थोड़ी सी वीडियो एडिट करूंगी क्योंकि ट्रेन में फिर एडिटिंग वगैरह नहीं होती। बड़ा हो जाएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे।